एडवोकेट अयाज शेख साहब ने मेरे साथ बातचीत करने के लिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में लैंड इंक्रोचमेंट जारी है, लोग परेशान हैं, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन किसी की सुन नहीं रही है। हालांकि लगातार सभी सियासी जमातें जो है अलग अलग स्टेटमेंट दे रही हैं कि लोगों को परेशान ना किया जाए, लोगों को वक्त दिया जाए, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जो मन में आ रहा है वो कर रही है। अयाज साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में जो है लैंड एनक्रोचमेंट चल रही है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, शोरूम तोड़े जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, ये किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो ये लैंड एनक्रोचमेंट का काम सरकार कर रही है, डिमोलिशन का काम कर रही है, ये इंसाफ के तराजू से काम नहीं कर रही है। मैं अभी अभी सैनिक कॉलोनी छन्नी बठिंडी मेन रोड पर चक्कर लगा के आया हूँ। मैंने खुद देखा कि उस एरिया में अगर मेरी नज़र में सबसे गलत बिल्डिंग बनी है वो किसी हुंडई का शोरूम बना है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितना बड़ा नाला आ रहा है, तीन नाले जमा होके वहाँ पे एक नाला बन रहा है और एग्जैक्ट नाले के बाहर जो है इनकी अपनी पार्किंग, फ्रेश गाड़ियाँ, आगे बिल्कुल शोरूम बना हुआ है। गैर मुमकिन खड्ड, तो क्या ये बिल्कुल खड्ड में ही बनी हुई बिल्डिंग है? और इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि वो केसी वालों का है। और एमजी हेक्टर को हिट करने की जहां तक बात है, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप रास्ता अपना रहे हो ये सरासर गलत है। आप एमजी हेक्टर के शोरूम को रीसेल कर सकते थे, आप उसमें ऑफिस खोल सकते थे, आप उसमें कोई और बिल्डिंग, कोई गवर्नमेंट ऑफिस का इंतज़ाम कर सकते थे। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस प्राइवेट बिल्डिंग्स में लाखों रुपए का रेंट पर मंथ दे रहे हैं, उसको खोल सकते थे। आप उसको डिमालिश करके ये साबित करना चाहते हो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इकानमी को हिट किया जाए। उस शोरूम से 50 लोगों का घर चलता था, आपने उन 50 घरों की रोजी रोटी छीन ली है, आपने उन 50 घरों के बच्चों को बेरोजगार करने का काम किया है, आपने उन 50 लोगों के बच्चों को पढ़ाई से महरूम रखने का काम किया है। मैं मौजूदा सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका वर्बल अश्योरेंस बहुत हो गया है, रिटर्न ऑर्डर लाएं, रिटर्न पॉलिसी लाएं। आप अगर रिटर्न पॉलिसी 6 महीने बाद लाओगे, तब तक अपने टारगेट्स अचीव करने के काम करोगे, अपने दुश्मन के लोगों को हिट करोगे, पॉलिटिक्स अपनी जगह रही, लेकिन इस तरीके से घर से बेघर करने का काम सरासर गलत है, कानून की नज़र में भी गलत है, इंसाफ की नज़र में भी गलत है। की तरफ से ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से किस तरह के ऑर्डर जो है जारी किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चाहे हाईकोर्ट का ऑर्डर हो, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से हो रही है? नहीं हो रही है। आज तक गवर्नमेंट ने कौन से एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं स्टेट लैंड के, कौन सी लिस्ट तैयार की गई है? आप पर्टिकुलरली एक एरिया को टारगेट करोगे, उसको तोड़ोगे, उसको दिखाओगे, सुप्रीम कोर्ट का जो पेंडिंग पिटीशन है उसमें अभी तक कहीं पे भी कोई डायरेक्शन नहीं हुई है। हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, वो भी अभी कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिट पिटीशन, पेंडेंसी ऑफ रिव्यू पिटीशन, आपने ऐसे स्टेप्स, ड्रास्टिक स्टेप्स उठाए जिससे लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना है। कौन है ये पत्थर मारने वाले? मैं उनके हित की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नौजवान साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि पत्थर मारना कोई इलाज नहीं है। आप गांधी जी के रास्ते पे चलिए, आप प्रोटेस्ट करिए, आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट रखिए, मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन को आपके टेबल पे आके बात करनी पड़ेगी। गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, क्या गन के दम पे किया है, क्या पत्थर के दम पे किया है? नहीं। पूरे दुनिया में अगर इस टाइम गांधी जी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो उसके उसूलों की वजह से पहचाना जाता है। लेकिन नौजवानों को मजबूर कौन कर रहा है पत्थर मारने के लिए? मैं यही बताना चाहूंगा, आप जब ऐसे ऑर्डर इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसी पॉलिसीज अपनाओगे, ऐसे सिलेक्टिव बिल्डिंग्स को टारगेट करोगे, इस टाइम पे उस रोड पे देखें आप, तकरीबन कुछ नहीं कुछ 50 बिल्डिंग्स को डिमालिश किया गया है, बारी बारी, आज एक की कल दूसरी की, तो 6 महीने साल से जो ड्रामा चल रहा है उस मार्केट को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। लेकिन उसी लाइन में जो बड़े शोरूम्स हैं, जो उद्योगपतियों के शोरूम हैं, जो मौजूदा सरकार के लोगों के शोरूम हैं, उनको आप दिखाई नहीं दे रहे हो। रेडिसन ब्लू की बात करूंगा मैं, इतना बड़ा होटल खुला हुआ है, उसके साथ में 500 रेडियां लगती थी, उन 500 रेडियो से 500 घर चलते थे, आपने वो रेडियां वहां से हटवाई, किया क्या, वहां पे पार्किंग बना के दी रेडिसन ब्लू वालों को। जब भी रेडिसन ब्लू में कोई बड़ी पार्टी होती है तो पार्किंग कहाँ होती है? उन रेडियो की जगह। आप अगर उद्योगपतियों की बात करोगे तो गरीबों की बात कौन करेगा?
इन गरीबों ने ही वोट डाल के आपको चुने, अमीर वोट लोग वोट डालने नहीं जाते। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत है, लोगों ने बिजनेस को चुना था, अब जो है नौजवान बिजनेस की ओर जो है बढ़ रहे थे, अब देखा हमने कि अब जो है बिल्डोजर चल रहा है, वो नौजवान कहाँ जाएंगे? अब क्या लगता है आपको जो है ये डिमोलिशन करने से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? नौजवानों को भीख मांगने पे मजबूर किया जा रहा है, नौजवानों को पकौड़े तलने पे मजबूर किया जा रहा है, दिल्ली और मुंबई और गुजरात के लोगों को यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बड़े बड़े बिजनेस खोलने का रास्ता खोला जा रहा है, छोटा बिजनेसमैन किधर जाएगा? आप अगर पर्टिकुलरली किसी एक डिस्ट्रिक्ट को लोगे, तहसील को लोगे, हेडक्वार्टर को लोगे, वहाँ के लोग अगर गुर्बत में मुबतला हो जाएंगे, उनकी इकानमी को अगर हिट करोगे, ऑटोमेटिकली पूरी जम्मू की इकानमी पे असर पड़ेगा। 100% वियर होस और कनक मंडी जैसी मार्केटों पे असर पड़ेगा। इस टाइम पे मेरे पास अगर 4 रुपये है, मैं जाके कनक मंडी से राशन खरीदता हूँ, मैं वियर होस से राशन खरीदता हूँ, मैं मॉल में जाके शॉपिंग करता हूँ, लेकिन जब मेरी इकानमी वीक होगी, इसी तरीके से हर गरीब घर जो है बेरोजगार हो जाएगा और असर जो है जम्मू की बिजनेस पे, जम्मू के तबके पे पड़ेगा, खुसूसन यहाँ के बिजनेसमैन पे। एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे जो है लोग भी परेशान ना हो और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम भी कर ले? देखो, वर्बल अश्योरेंस बहुत हो गया। आप अगर बोलते हैं कि 5 से 15 मरले वाले को नहीं छेड़ा जाएगा, आप रिटर्न पॉलिसी लाए ना, आप क्यों नहीं ला रहे? आप इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि आप इस आर्डर के आड़ में और बड़े अपने काम करवाना चाहते हो, आप और लोगों को प्रेशराइज करना चाहते हो। आर्डर लाओगे आप यकीन है, लेकिन उस टाइम पे लाओगे जब तक आपका मुद्दा जो है अचीव नहीं हुआ होगा, आपका मकसद अचीव नहीं हुआ होगा। आप पॉलिसी बनाओगे, लेकिन कब बनाओगे? जब बहुत सारे घर टूट जाएंगे, बहुत सारा बिजनेस अफेक्टेड होगा, जम्मू कश्मीर की इकानमी को कमज़ोर किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग जब बेरोजगार होकर रोजी रोटी की बात करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ भूल जाएंगे, गवर्नमेंट भूल जाएंगे।